अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, शिहाब भाई हज के सफर पर पैदल निकले हैं और उनके चाहने वाले उनके लिए रास्ते सजा रहे हैं। इतना ही नहीं, उम्मते मुस्लिमा के बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सभी उन पर फूल बरसा रहे हैं, उनके रास्ते पर कारपेट बिछा रहे हैं। शिहाब भाई जितना ज़्यादा वायरल होते जा रहे हैं, जितना ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं, उनके चाहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ उनसे हसद और नफरत करने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिहाब भाई के लाइव अपडेट के बारे में कि वो इस वक्त तक कहां पहुंचे हैं और शिहाब भाई के दुश्मनों ने शिहाब भाई पर साइबर हमला करना शुरू कर दिया है। इस वक्त तक शिहाब भाई पर 2 बार साइबर हमला हो चुका है। इससे शिहाब भाई का कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में भी हम आपको पूरी मालूमात देंगे और उन लोगों के बारे में भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो शिहाब भाई को देखते हुए पैदल हज पर निकल रहे हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर से देखते रहिए। और जो शख्स शिहाब भाई से मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि शिहाब भाई का ये सफ़र पूरा हो जाए, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो शिहाब भाई को देखते हुए पैदल हज पर निकले थे। प्यारे दोस्तों, जब से शिहाब भाई हज करने के लिए पैदल निकले हैं, तब से ना जाने कितने लोग उनको देखते हुए बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के, यहाँ तक के उनको ये भी नहीं मालूम कि किस रास्ते से जाना है, किस रूट से जाना है, बस बैग उठाया और हज पर निकल पड़े। दोस्तों, एक लड़का था जिसका नाम जैनुल आबदीन था, वो भी पैदल हज पर निकला था। हाल ही में उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने बताया कि मैं पैदल हज पर अब नहीं जाऊंगा, मैं पैदल अजमेर शरीफ जाऊंगा। ये लोग जो भी बिना वीज़ा पासपोर्ट के निकले हैं, उन्हें भी मालूम है उन्हें हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। अब इनकी नीयत क्या है, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। दोस्तों, बात यहाँ तक थी तो थोड़ा ठीक था, लेकिन अब लोगों ने पैदल हज का इतना मजाक बनाना शुरू कर दिया है कि लोग कच्चे बनियान में बैग टांग के निकल पड़े हैं, वीडियो बनवा रहे हैं कि हम पैदल हज पर जा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बिना कपड़ों के ही बैग टांग कर निकले हैं और बोल रहे हैं हम हज पर जा रहे हैं। दोस्तों, इस कदर इस तरह से मजाक बनाया जा रहा है कि हम आप लोगों को उनकी फ़ोटो तक नहीं दिखाना चाहते। अरे भाई, आप लोग किस चीज़ का मजाक बना रहे हैं? आप लोग को कुछ अंदाज़ा भी है? पैदल हज को लेकर के मीम्स बना रहे हैं। दोस्तों, अब तो एक खबर ये भी आ रही है कि अब लोग शिहाब भाई को पैदल हज को देखते हुए अब लोग पैदल अजमेर शरीफ भी जाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, शिहाब भाई पैदल हज के सफ़र पर निकले हैं, पूरी तैयारी के साथ निकले हैं, वीज़ा पासपोर्ट के साथ निकले हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उनको देखते हुए जो लोग उनका मजाक बना रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत काम है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुछ लोग हैं शिहाब भाई के ऊपर साइबर अटैक कर रहे हैं। शिहाब भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट 2 बार हैक कर चुके हैं।
पहली बार जब शिहाब भाई का अकाउंट हैक हुआ था तो इस औरत की फोटो लगा दी गई थी, जिसके बाद से शिहाब भाई भी खुद परेशान हो चुके थे। काफ़ी सारे लोगों ने शिहाब भाई को मैसेज किया, फ़ोन किया और उनको बताया कि उनका अकाउंट हैक हो गया है, और फिर शिहाब भाई ने अपना अकाउंट रिकवर किया, यानी कि फिर से वापस ले लिया और उसका पासवर्ड भी चेंज कर दिया। अकाउंट उनका वापस आने के बाद शिहाब भाई ने सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और एक स्टोरी डाल दिया था कि अकाउंट वापस आ गया है। लेकिन शिहाब भाई के दुश्मनों ने पूरा इरादा कर लिया था कि वो इनको परेशान करके रहेंगे, इसलिए शिहाब भाई का अकाउंट दोबारा फिर से हैक कर लिया गया। जब पहली बार अकाउंट हैक हुआ था तो उस वक्त शिहाब भाई सो रहे थे। लोगों ने उनको कॉल किया, फ़ोन किया और उठाया और बताया, लेकिन इस बार शिहाब भाई का अकाउंट दोबारा हैक हो चुका है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना अकाउंट वापस ले सकें। अब जो दोबारा अकाउंट हैक हुआ है तो यहाँ पर इस जादू करने वाली औरत का फ़ोटो अपलोड है। ये औरत लोगों से पैसा लेती है और जादू करती है। ये तुर्की की रहने वाली खातून है, इनका नाम आईपे कोजी है। ये फ़ोटो शिहाब भाई के अकाउंट पर चढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ देर के बाद इस खातून का फ़ोटो भी डिलीट कर दिया गया। शिहाब भाई के दुश्मनों ने शिहाब भाई की तमाम फ़ोटो और वीडियो को भी डिलीट कर दिया, लेकिन इस वक्त फिर से शिहाब भाई का अकाउंट वापस मिल गया है। दोस्तों आपको बता दें, बड़े बड़े उल्मा इकराम शिहाब भाई का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। जिस तरह से शिहाब भाई वायरल हुए हैं, उनके चाहने वालों के साथ साथ उनके दुश्मन भी बढ़ चुके हैं। शिहाब भाई को प्रोटेक्शन देते हुए पुलिस भी उनके साथ साथ चल रही है, वरना पता नहीं कौन उनके साथ क्या करने की साजिश कर रहा है। शिहाब भाई का सफ़र पूरा हो जाएगा या लोग रास्ते में ही रोक देंगे, क्योंकि जब रात में शिहाब भाई सो रहे हैं तो उनका अकाउंट हैक हो रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। लेकिन शिहाब भाई ने अपने दुश्मनों से कह दिया है, वो अपने रब के घर को जा कर रहेंगे, वो अपने रब को राज़ी कर रहेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं शिहाब भाई के लाइव अपडेट के बारे में। तो शिहाब भाई इस वक्त राजस्थान के एक होटल में रुके हुए हैं, और खबर ये भी मिल रही है कि शायद शिहाब भाई अजमेर शरीफ दरगाह भी जाएंगे। दोस्तों मुहर्रम के इस मौके पर 10 मुहर्रम यौम आशूरा के दिन शिहाब भाई ने रोज़ा भी रखा था। उस दिन वो पैदल सफ़र पर नहीं चले, बल्कि वो उस दिन रोज़ा रख करके रेस्ट ले रहे थे, और इफ्तार के वक्त वो एक मस्जिद में रोज़ा इफ्तार उन्होंने किया। प्यारे दोस्तों इस वक्त शिहाब भाई राजस्थान के गंगापुर इलाके से आगे बढ़ चुके हैं, उनका ये पैदल हज का सफ़र शुरू है। उनके चाहने वाले उनके लिए दुआएं कर रहे हैं के शिहाब भाई अल्लाह के घर मक्का शरीफ पहुंच जाएं, और वो उनके लिए दुआएं भी कर रहे हैं के शिहाब भाई 2023 का हज कर लें। तो दोस्तों हम लोग भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला शिहाब भाई को अपने अमान में रखे और उन्हें 2023 का हज नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप कीजिए, और शिहाब भाई से मोहब्बत करने वाले लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।